केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर को इंतजार था आज का 27 अप्रैल का, क्योंकि आज क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। आइए जानते हैं रिजल्ट कैसा आया है और आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे केपीआईटी के। आपके पास केपीआईटी के अगर शेयर्स होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना कितने शेयर्स है, क्या रेट में लिए हुए हैं और आपको क्या लगता है नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये सब कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सब लोगों को पता चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, किसने कितने रेट में बाय किया हुआ है। फ्रेंड्स, केपीआईटी का आज रिज़ल्ट आया है जो कि काफ़ी अच्छा और शानदार आया है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में आज ही हमने देखा कि 12% का जंप हो गया शेयर में। जैसे ही क्वार्टर फोर का रिज़ल्ट आया, शेयर 12% भाग चुका है, जो कि काफ़ी दिनों से गिर रहा था और काफ़ी इन्वेस्टर्स परेशान थे इसके कि इसका इतना गिर क्यों रहा है। पर देखिए फ्रेंड्स, कैसा होता है क्वार्टर रिज़ल्ट के पहले काफ़ी लोगों को ऐसा अंदेशा होता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि रिज़ल्ट ख़राब आएगा, तो डर के मारे भी लोग पहले ही एग्जिट कर देते हैं। बट हुआ उल्टा है, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। शेयर का जो क्वार्टर फोर का रिज़ल्ट है उल्टा अच्छा आया है। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, ऑटोमोबाइल के सॉफ्टवेयर में काम करती है और हाइड्रोजन फ्यूल में भी कंपनी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है। तो ये फ्यूचरिस्टिक शेयर है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और अभी इसका रिजल्ट कैसा आया है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज इसका क्लोजिंग था 586 रुपीज़ का, 52 वीक आया था 801 का। और अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो मार्च 2021 में जो रेवेन्यू था वो था 540 करोड़ और इसका जो प्रॉफिट था वो था 52 करोड़। उसके बाद दिसंबर 2021 में इसका रेवेन्यू था 622 करोड़ एंड प्रॉफिट था 70 करोड़। और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है मार्च 2022 का, इसका रेवेन्यू है 652 करोड़ एंड प्रॉफिट आया है 79 करोड़। तो फ्रेंड्स देखिए, रेवेन्यू की हम लोग बात करेंगे तो 540 करोड़, 622 करोड़ एंड 652 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़, 70 करोड़ एंड 79 करोड़, तो सभी दोनों जगह पे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी कंपनी का शेयर इसलिए भी भागता है, इसी प्रॉफिट पे नहीं होता है, उनके मार्जिन कैसे है कंपनी के, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा इन्फोसिस और TCS में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर घटते जा रहा है, ईयर ऑन ईयर घटते जा रहा है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मार्च 21 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM था 16%, दिसंबर 21 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 18% और अभी मार्च 22 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर हो गया है 19%, जो कि ये बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंपनी के मार्जिन घट नहीं रहे हैं, मार्केट के प्रेशर में प्रॉफिट में घट, जो मार्जिन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में वही मार्जिन जो होता है वो कंपनी को ग्रोथ दिलाता है प्रॉफिट में और रेवेन्यू में, मेनली प्रॉफिट में। तो 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ऑब्जर्व करने की केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में, और इसी के लिए यह शेयर आने वाले दिनों में ज़बरदस्त रन दिखा सकता है। अभी आप देखोगे कि आज 586 में ये आज इसने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अच्छा है इसलिए रन अप दिखाया है। आने वाले दिनों में अगर मार्केट गिरा तो यह शेयर थोड़ा बहुत करेक्शन में भी जा सकता है। 520 तो बहुत बेस्ट प्राइस था बाय करने का, मैं पहले भी आपने वीडियो बना के बताया था मैंने आपको कि 500 से लेके 550 के बीच में कभी भी ये शेयर मिले तो आपने एक्यूमुलेशन शुरू कर देना है। बट आज तो समझो ये भागा है मार्केट, अगर फिर से करेक्शन हुआ, थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिलेगा केपीआईटी में, तो आपने 500 से 550 के लेवल में ज़रूर बाय करना है। मार्केट जब चलेगा तो ये शेयर आपको अभी शॉर्ट में ही 650 के लेवल दिखा देगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका। उसके बाद में मार्केट में जब स्टेबल हो जाएगा और मार्केट में रिकवरी आना शुरू होगी तो ये शेयर आपको आने वाले 3 to 4 months में 1000 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। इसीलिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का शेयर जो कि फ्यूचरिस्टिक शेयर है, मोनोपोली शेयर है, इस शेयर में आपको बने रहना है एंड बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से बाय करते रहना है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक नई कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, उसका भी इन्होंने टाइप किया हुआ है यूरोपियन कंपनी से, तो उसके उसके बारे में जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा
तो उसके कारण इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट में जंप और रेवेन्यू में जंप देखने को मिल सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन KPIT टेक्नोलॉजी होल्डर्स, जिनको जिन्होंने बाय किया है और जिन्होंने ज़्यादा रेट में बाय किया फ्रेंड्स, वो होल्ड कर सकते हैं। मार्केट चलेगा तो यह शेयर फटाफट रिकवर करेगा क्योंकि क्वार्टर फोर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। आपको क्या लगता है इसका टारगेट क्या रहेगा आने वाले 3 to 4 मंथ्स में, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।